हेलो फ्रेंड्स, माय सचिव सिंह भाटी। आज का टॉपिक है डेट ऑफ डिलीवरी। फर्टिलाइजेशन से लेके हम डेट, यानी जो मदर की जो डिलीवरी किस टाइम होगी, उस डेट का कंफर्म कैसे करते हैं, यानी कैसे जो इन डॉक्टर जो कहते हैं कि आपको 10-15 तारीख को, अभी 15 मार्च को ये लगभग डिलीवरी हो सकती है, तो इस डेट का कंफर्मेशन करते कैसे है? आज हम एक फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। तो जो एक्सपेक्टेड, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी ईडीडी, एक फॉर्म के अंदर आता है कि ईडीडी, आपकी ईडीडी लगभग इतने तारीख से इतने तारीख तक आपकी डिलीवरी लगभग हो सकती है, यानी 15 मार्च को आपकी डिलीवरी, ऐसे कह सकते हैं। एक कार्ड देख के टेस्ट करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन लेके कहते हैं आपको 15 मार्च तक आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो इस डेट का कंफर्मेशन करते कैसे, ये हमारे अंदर क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर कैसे, डॉक्टर को कैसे पता चलता है इतने दिन बाद में डिलीवरी होगी। ये कोई डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूले के थ्रू हम इजीली कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चा डिलीवर कब होगा। एक निगेल नाम का साइंटिस्ट था, निगेल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक ईटीडी का फॉर्मूला दिया था कि बेबी डिलीवर कब होगा। ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसके अंदर इसने फॉर्मूला दिया था लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था उसकी जो फर्स्ट डेट थी, लास्ट डेट नहीं, फर्स्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड की जो फर्स्ट डे, यानी आपको 5 तारीख को आ रही है ब्लीडिंग स्टार्ट कब हुई थी, जो फर्स्ट डे होता है, तो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है लगभग 28 डेज के दौरान। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमने एक पहले से वीडियो चढ़ा रखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन कौन से हार्मोन पीक लेवल या लो लेवल होता है और हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसकी एक्सिस उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या काम करता है। तो जो फॉर्मूला है वो है फर्स्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, 1 से 5 डे का होता है, और उसके अंदर डिजीज होती है उसके अंदर हम कहते हैं हाइपरमेनोरिया या हाइपोमेनोरिया। तो फर्स्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड यानी 3 तारीख को है तो 3 लिख देंगे, प्लस फॉरवर्ड साइकिल पीरियड फर्स्ट डे और इसके आगे के 9 महीने, जो 9 कैलेंडर मंथ होते हैं, 9 कैलेंडर जो कैलेंडर मंथ हो गए वो इसके अंदर जोड़ देंगे, और उसके साथ साथ में हम जोड़ेंगे 7th डेज। ये है फॉर्मूला फर्स्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जो प्रेगनेंसी के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। जैसे हम एमनोरिया की बात करें, एमनोरिया के अंदर एक होता है फिजियोलॉजिकल होता है और एक प्राइम फिजियोलॉजिकल होता है, पैथोलॉजिकल अगर बात करें। जो फिजियोलॉजिकल होता है उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी के अंदर यानी कोई फिजिकल कंडीशन के दौरान या फिर कोई लगभग 10 ईयर से पहले तो हो जाएगा फिजिकल, जो भाई 60 ईयर तो है लेकिन किसी भी कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन के कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही, और एक होता है सेकेंडरी, एक बार आती है उसके बाद में बंद हो जाती है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान एक बार आएगी उसके बाद में ये प्रेगनेंसी रहती है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। जो फर्स्ट डेट होती है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की वो आज है 3 अप्रैल, तीन अप्रैल 2019, यानी किसी लेडीज की 3 अप्रैल 2019 को ये डेट है, यानी 3 अप्रैल को लगभग ये ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट डेट है 3 अप्रैल 2019, यानी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया 3 अप्रैल 2019 को अगर इसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट है तो डिलीवरी कब होगी, तो 3 इसको हम जोड़ सकते 3, उसके साथ साथ 9 मंथ, और उसके साथ साथ हम जोड़ सकते हैं 7 days, ये फॉर्मूला हो गया। अब हो रही है अप्रैल को, तो अप्रैल से हम लिख सकते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्या आ गया? जनवरी, तीन है और तीन के साथ में सात जोड़ो तो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस, यानी 10 जनवरी 2020 को बीपी डिलीवर होगा। इजीली आप कंफर्म कर सकते हैं, यानी सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसका फर्स्ट डे होता है, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका फर्स्ट डे, तीन अप्रैल को स्टार्ट हुई 2019 के अंदर, उसके साथ में तीन 9 महीने जोड़ दिए तो अप्रैल मई जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी तक हो गया। अब आ गया तीन जनवरी, तीन जनवरी उसके साथ में सात और जोड़ दो तो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस, इन 10 जनवरी 2020 को बेबी जो बेबी बना है वो डिलीवर होगा, यानी मेल है या वाली फीमेल है, लड़का लड़की कोई भी है तो ये सेम फॉर्मूला चलेगा। निगेल फॉर्मूला आता है जो लास्ट फर्स्ट डे कौन सी है, कब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, वहां से लेके 9 महीने जोड़ दो, उसके साथ साथ 7 दिन जोड़ दो, तो आ जाएगी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, बेबी डिलीवर कब होगा। ये था डेट ऑफ डिलीवरी अकॉर्डिंग टू निगेल्स, कि हाउ टू कंफर्म एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवर द बेबी। थैंक यू टू सी।